जी तो गाइस, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल टैग के बारे में कि आर्टिकल टैग का एचटीएमएल में क्या इस्तेमाल है। तो इससे पहले, प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूं जिसकी। यहाँ पे मैंने एक साइट ओपन की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है। तो जो आर्टिकल टैग है, ये पोस्ट को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक इमेज है, ये एक कंप्लीट एक आर्टिकल है, ये इसका टाइटल है और ये इसका जो भी कैटेगरी है और उसके साथ ही इसकी पब्लिश डेट वगैरह जो भी आ रही है। इस तरह से ये एक कंप्लीट आर्टिकल है, इस तरह से ये एक कंप्लीट आर्टिकल है, इस तरह से ये सारे के सारे जो है ना वो आर्टिकल्स हैं, और ये आर्टिकल टैग्स में ये सारा कंटेंट जो है ना वो रैप किया हुआ है। इस तरह से अगर हम लोग किसी भी एक आर्टिकल को न्यू टैब में ओपन कर लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक कंप्लीट आर्टिकल है, देख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या है, इसमें ये एक इसकी टाइटल है, इसकी मेन हेडिंग है, फिर इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, फिर इसका ये इमेज, या फिर ये सोशल शेयरिंग लिंक्स जो हैं, या फिर ये इसकी सब हेडिंग, फिर इसका ये पैराग्राफ, फिर इसका ये इमेज, फिर ये इमेज की कैप्शन, इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना ये आर्टिकल टैग में लगी हुई हैं। आर्टिकल टैग किसी पोस्ट को लगाने के लिए या कमेंट के लिए या फिर आर्टिकल को लगाने के लिए अपने वेब पेज में यूज़ किया जाता है। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने यहाँ पे एक इसका बेसिक टेम्पलेट एचटीएमएल का किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर्टिकल टैग स्टार्ट एंड क्लोज, ये एक पेयर टैग है। अब इसके अंदर हम लोग पहले सबसे आर्टिकल का एक इमेज लगाते हैं, जैसा कि हमारे पास एक इमेज अवेलेबल है इमेज डॉट जेपीजी के नेम से इसी फोल्डर में। उसके बाद हम लोग इसकी कुछ विड्थ और हाइट जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं 100 पिक्सल्स, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक H2 का टैग लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज आर्टिकल हेडिंग। उसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पे एक P का टैग लिखते हैं, P का टैग स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे कुछ डमी टैक्स ऐड कर लेते हैं डमी टैक्स के लिए, या फिर हम लोग यहीं से कुछ टैक्स कॉपी कर लेते हैं जस्ट टू शो यू। कॉपी किया मैंने और P टैग के में हमने इसे रैप कर दिया, और इसे मैं अलाइन कर देता हूँ, ये अलाइन हो चुका है, परफेक्ट। कंट्रोल एस टू सेव एंड नाउ गो टू ब्राउजर एंड article.html। तो देखें ये एक कंप्लीट आर्टिकल बन चुका है, बट ये इमेज बहुत छोटा है और ये आर्टिकल पूरे पेज के ऊपर जो है ना वो शो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा CSS ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टाइल ऐड करना पड़ेगा। अभी के लिए अगर आपको CSS के बारे में नहीं भी आइडिया, तो नो वरीज, हमारी CSS से रिलेटेड भी कुछ सीरीज आने वाली हैं एज सून एज पॉसिबल। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल विड्थ, और विड्थ हम लोग इसको दे देते हैं 500 पिक्सल्स, और इसको हमने विड्थ आर्टिकल के टैग को स्टाइल की मदद से विड्थ 500 पिक्सल दे दी, और हम लोग अपने इमेज को भी 500 पिक्सल दे देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, देखें ये यहाँ पे एक आर्टिकल बन चुका है। अब इसे हम लोग मजीद स्टाइल कर सकते हैं, बट द थिंग इज हमने जस्ट आर्टिकल टैग का इस्तेमाल देखना था कि ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग मजीद इसमें हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, कैसे, लाइक ये टेक्स्ट काफ़ी लेंथी है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना कर दिया मैंने, और इसको हम लोग इतना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दो बार, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखें ये हमारा एक कंप्लीट इस तरह से आर्टिकल बन चुका है। बाकी मजीद हम लोग इसको डिव का टैग लगा के इसे सेंटर में कर सकते हैं, इसे मजीद जो है ना वो खूबसूरत बना सकते हैं। सो ये जो हमारी सीरीज़ है, ये बेस्ड ऑन यूडीमी कोर्स है, यूडीमी का एक इंग्लिश में कोर्स था, उसे हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू उर्दू हिंदी। सो आई होप सो कि आपको आर्टिकल टैग के बारे में समझ लग गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।